डायनासोर जिन्होंने 11 करोड़ साल तक जमीन पर राज किया। यहाँ आज हम चलते हैं, वहाँ डायनासोर चला करते थे। डायनासोर की कई किस्में थी जिनमें कुछ घास खाते थे, कुछ गोश्त खाते थे। इनमें से कुछ होशियार और खतरनाक थे और कुछ बहुत शरीफ। ये उस वक्त के सबसे ताकतवर जानदार थे। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इनका दुनिया से नामोनिशान मिट गया? इसे जानने के लिए आपको पूरा वीडियो वॉच करना होगा। मैं हूं अंसर रहमान और आप देख रहे हैं इफ टीवी। आज से 6.5 करोड़ साल पहले जमीन का मौसम बहुत खुशगवार था। चारों तरफ सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी। जमीन पर लंबे लंबे दरख्त और चारों तरफ डायनासोर के चलाने और चिंगारने की आवाजें। जब ये डायनासोर बहुत ही आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, तब 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्ट्रॉइड का टुकड़ा जो बहुत दूर से आ रहा था, वो जमीन से करीब 20 किलोमीटर दूर मार्स के करीब एस्ट्रॉइड बेल्ट में मौजूद एक बड़े एस्ट्रॉइड से टकरा गया। इस टक्कर की वजह से उस बड़े एस्ट्रॉइड का रुख बदल जाता है। ये एस्ट्रॉइड अपने बेल्ट से निकलकर जमीन की तरफ 22,000 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ने लग जाता है। जब ये एस्ट्रॉइड जमीन से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब जमीन से शायद डायनासोर का एंड ना होता। तब ये एस्ट्रॉइड चांद से टकराता, लेकिन किस्मत का कुछ और ही मंजूर था, इसलिए ये बड़ा एस्ट्रॉइड चांद के बहुत नजदीक से गुजर गया। 40,000 किलोमीटर का ये एस्ट्रॉइड बहुत तेजी से जमीन की तरफ बढ़ रहा था। जब ये एस्ट्रॉइड जमीन के ऑर्बिट में आया, तब इसकी रफ्तार 70,000 किलोमीटर फी घंटा हो गई। जमीन के ऑर्बिट में आते ही ये एक खतरनाक आग के गोले में बदल गया। ये इतनी रफ्तार से जमीन की तरफ बढ़ रहा था कि सिर्फ 4 मिनट में इसने अटलांटिक ओशन को पार कर लिया। इसकी चमक इतनी तेज थी, हजारों डायनासोर इस आग के गोले को देखकर अंधे हो गए थे। ये जानदार उस एस्ट्रॉइड को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन उसकी शदीद गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ ही देर में ये एस्ट्रॉइड मेक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से टकराता है और करीब 35,000 डिग्री सेल्सियस की ताकत वाला एक खतरनाक धमाका होता है। इस टकराव का धमाका करीब 10 हाइड्रोजन बम के धमाके के बराबर था। ये धमाका इतना ताकतवर था कि इसके टकराते ही जमीन के टुकड़े स्पेस में चले गए। टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। धमाके की वजह से गड्ढे का सारा मेटल आसमान में धूल के बादल में बदल गया। 16 मिनट 40 सेकंड बाद जमीनी टकराव की वजह से जमीन के अंदर चारों तरफ जमीन में जलजले की लहरें उठने लगी, जिसकी वजह से समुद्र में बहुत बड़ी बड़ी लहरें बनी और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। जलजलों की लहरों ने सभी ज्वालामुखी को एक्टिव कर दिया, जिसकी वजह से जगह जगह से डायनासोर खत्म होने लगे। इस खतरनाक धमाके में रेडिएशन की मकदार इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जानवर जलकर पूरी तरह राख हो गए थे। इस तबाही में उड़ने वाले डायनासोर इन जमीनी खतरों से तो बच निकले, लेकिन ये तो अभी तबाही का आगाज था। धमाके की वजह से जो लाखों टन मेटल और पत्थर स्पेस में चले गए थे, वो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ठीक 40 मिनट बाद आके गोले की बारिश बंद कर पूरी जमीन पर बरसने लगे और साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 6,000 किलोमीटर की रफ्तार से जमीन की दूसरी तरफ मौत लेकर आ रहा था। ये धूल का बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से जमीन पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच सकती थी। गर्म हवाओं का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाने की वजह से जमीन पर पेड़ पौधों की सारी आबादी जलकर राख हो गई थी। धमाके के 90 मिनट बाद 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसकी वजह से जो डायनासोर धमाके के इलाके से कई मील दूर थे, वो भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस हादसे से जमीन के 90% जानदार पूरी तरह खत्म हो गए और जो 10% जानदार बच गए थे, उनमें से वही जानदार जिंदा रह सके जिनका वजन 30 किलोग्राम से कम था। इसकी वजह ये थी कि इस धमाके में लाखों के हिसाब से जानदार मारे जा चुके थे और पेड़ पौधों की सारी आबादी भी जलकर राख हो गई थी। लेकिन जो बड़े जानवर बच गए थे, उन्हें पूरी तरह से खाना नहीं मिल सका। इस धमाके से डायनासोर की पूरी नस्ल तबाह हो गई। उसके बाद इंसान जमीन पर कैसे आए,
आप जानोगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और ऐसी अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, तभी आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आपका दोस्त अंसर हिमान को इजाजत दें। खुदा हाफिज।